एंड वेलकम टू इग्निशन। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मे 2023 बी द बेस्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम शो में क्या लेकर आए हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। ले चलेंगे सुपरफास्ट लैम्बोर्गिनी ह्यूरिकेन टेक्निया की टेस्ट ड्राइव पर। 2023 में कौन से होंगे बड़े लॉन्चेस कार और बाइक सेगमेंट में, बताएंगे नए साल 2023 में कौन कौन सी गाड़ियों के बढ़े हैं दाम, और देंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे सेक्शन न्यूज में। ऑलराइट, अब बात करते हैं लैम्बोर्गिनी टेक्निका। वेल, दिस इज द कार दैट्स लॉन्च्ड इन इंडिया प्रीटी रिसेंटली। 4 करोड़ के करीब इसकी प्राइसिंग है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी द मोस्ट ड्राइवर सेंट्रिक ह्यूरिकेन अभी तक जो ह्यूरिकेन में बनी है। सो दिस इज रियली द परफेक्ट कार, कंपनी सेज, फॉर द रियल रोड कंडीशंस एंड ऑन ट्रैक। सो रियली द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एज दे कॉल इट। इस गाड़ी में खास बात यह है कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इन्हांस की गई है इन टर्म्स ऑफ द वेट। आई थिंक इट हैज़ बीन एन एंडेवर फ्रॉम द कंपनी साइड कि इसकी वेट को कम रखा जाए, तो इसकी वजह से आगे और पीछे दोनों कार्बन फाइबर का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है टू मेक इट लाइटर एंड मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। 0 to 100 3.2 seconds, सो इट्स अ फास्ट मीन मशीन दैट इज़ प्रिटी स्नग एंड नाइस टू ड्राइव। तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपनी को फॉर दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। सो लॉन्ग वेटिंग पीरियड एज वेल। वी ड्रोव दिस कार हियर इन इटली जहाँ लैम्बोर्गिनी का हेडक्वार्टर्स है एंड दिस आई मस्ट से इज अ रियल रियल ज्वेल इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ लैम्बोर्गिनी। हुरागन सीरीज में ये सबसे महंगी रिवाइज सुपरकार है जिसके लुक में पूरी तरह से बदलाव किए गए हैं। लुक्स वाइज बात करें तो इस सुपरकार में आपको एक प्रॉपर रिमिक्स लुक देखने को मिलता है। एलिमेंट की बात करें तो कंपनी ने इसमें सब कुछ नया दिया है, साथ ही इसमें नया फ्रंट पैनल भी शामिल किया गया है जो टूजो मैनेलियो कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस कार में आपको ब्लैक वाई शेप कई एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो इससे पहले आपको लैम्बोर्गिनी सियाना में भी देखने को मिले थे। हुरागन में पहली बार साइड एयर कर्टेन्स दिए गए हैं जिससे पूरी कार में प्रॉपर एयर चैनल होता है जो इस सुपर कार को बेहतर एयर फ्लो देने में मदद करता है। नाउ लेट्स लुक एट द कार फ्रॉम द इनसाइड, क्योंकि अंदर ये गाड़ी मेक्स यू फील लाइक यू आर ऑब्वियसली इन द कॉकपिट। इस वक्त आप इस गाड़ी को देख रहे हैं वेयर यू सी द इंटीरियर्स, एंड इंटीरियर्स आर प्रिटी नाइस एज यू सी। एक बेसिक फील भी है, रॉ फील भी है, साथ में टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड की गई है। ऑलरेडी ये ग्लोबली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड सो इज़ इन इंडिया। सो दिस इज़ अ कार रियली फॉर पीपल हु लाइक टू टेक इट आउट ऑन द ट्रैक्स एंड ड्राइव इट एब्सोल्यूटली देयर हार्ट फेल्ट एक्सिलरेटिंग परफॉर्मेंस, और अगर इनको डे टू डे ड्राइविंग कंडीशन में भी चलानी है सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। सो आई थिंक इट्स अ थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी जो लैम्बोर्गिनी ने डाली है। ह्यूरिकेन टेक्निका जो भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है 4 crore रुपीस, और खास बात इस गाड़ी में ये है कि ये एग्जैक्टली पोजिशन है वेरी नाइसली फिट इन बिटवीन STO एंड EVO, और यहाँ एक स्वीट स्पॉट कंपनी को मिला जहाँ इसको लॉन्च किया गया। इट्स अ रियल फन कार टू ड्राइव, एट द सेम टाइम वेरी प्रैक्टिकल
इनफैक्ट कंपनी का क्लेम है और ये कहना है कि अभी तक कि ये सबसे पोजिशन वेरी वेल कार है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डे टू डे एक्टिविटीज। पावर की बात करें तो लैम्बोर्गिनी हुराकन टेक्निका में 5.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन दिया गया है। यह दमदार इंजन 640 bhp की पावर और 565 nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इस पावरफुल इंजन को कंपनी ने 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है। इस सुपर कार की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 3.2 सेकंड का समय लगता है। वही 200 kmph की रफ्तार तक पहुंचने में इसे 9.1 सेकंड का समय लगता है। इस पावरफुल सुपर कार की टॉप स्पीड 325 किलोमीटर पर आर की है, इसीलिए रफ्तार के शौकीन लोगों के लिए यह सुपर कार किसी ड्रीम कार से कम नहीं। साथ ही अलग अलग ड्राइविंग मोड्स पर इस कार के रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाने के लिए कंपनी ने इसमें स्टारडा स्पोर्ट्स और कॉर्सा जैसे 3 ड्राइविंग मोड्स भी दिए हैं। तो चलिए आप फोकस करते हैं 2023 में कौन कौन सी नई कार्स और बाइक्स भारतीय बाजार में होंगी लॉन्च। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये साल भी बहुत ही बेहतरीन माना जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लॉन्चेस हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी आप बहुत सारा एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा 2023 में, देखिए। देखते ही देखते 2022 खत्म हो चुका है और बड़े ही उत्साह के साथ नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। और इस नए साल में अगर आप कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो साल की शुरुआत में आज हम आपको बताएंगे 2023 में कौन कौन सी नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च होने वाली है। शुरुआत करते हैं फोर व्हीलर सेगमेंट से। गैराजेस इंडिया जनवरी 2023 में नई हेक्टर लॉन्च करने वाली है और ये नए साल में लॉन्च होने वाली कंपनी की ओर से पहली कार होगी। इस नई फेसलिफ्ट हेक्टर को कंपनी 5 जनवरी 2023 को लॉन्च करेगी, जिसमें नए फीचर्स और नई तकनीक के साथ ही इसके डिजाइन में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि कार में पहले से बड़ा 14 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले भी लगा होगा और इंजन विकल्प इसमें पहले की तरह ही दिए जाने की उम्मीद है। बिल्कुल ही नहीं, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस एक और नया मॉडल है जो जनवरी 2023 में भारत में बिक्री पर लाया जाएगा। फीचर्स के तौर पर इस नई गाड़ी में LED लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और दूसरी रो रिक्लाइन सीटों जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। इस क्रॉसओवर कार में 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में Hyundai की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक SUV Ioniq 5 को भी लॉन्च किया जाएगा, जबकि कोरियाई कार निर्माता ने अभी तक इसके लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV को 2023 के पहले तिमाही में भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस कार को एक बार चार्ज करने पर ये इलेक्ट्रिक कार 480 किलोमीटर तक की रेंज देती है।
मारुति सुजुकी इंडिया 2023 ऑटो एक्सपो में फाइव डोर जिमनी को भी दिखा सकती है। 2020 ऑटो एक्सपो में हमने पहली बार भारत में थ्री डोर जिमनी देखी थी। फाइव डोर जिमनी एसयूवी को 4x4 वेरिएंट के साथ साथ माइल हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। महिंद्रा ने इस साल सितंबर में अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 का खुलासा किया था। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 300 पर आधारित है, जो पहले से ही भारतीय बाजार पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी 148 BHP इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, जिसे 39.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। ये इलेक्ट्रिक मोटर 310 Nm का पिक टॉर्क भी पैदा करती है। वहीं सिंगल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 456 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। कंपनी जनवरी 2023 में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने की उम्मीद है। ۔2022 में निशान इंडिया ने देश में पहली बार कशकाई और ज्यूक के साथ नई एक्सेल ट्रैक को दिखाया था। साथ ही इन कारों को भारत में लाने की योजना का भी खुलासा किया गया है। इस तैयारी के साथ निशान इंडिया भारतीय बाजार में जल्द ही एक्सेल ट्रेल को भी लॉन्च करेगी। वहीं बाइक सेगमेंट की बात करें तो जहां 2022 में कुछ रोमांचक मोटरसाइकिलें लॉन्च हुई, वहीं ये नया साल भी कई नए शानदार मोटरसाइकिल के लॉन्च से भरा हुआ होने वाला है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 का। अपने 650cc पोर्टफोलियो में तीसरे मॉडल के तौर पर कंपनी ने सुपर मीटियोर को राइडर मेनिया 2022 में शोकेस किया। इस नए शानदार बाइक में रेट्रो क्रूजर डिजाइन को देखने मिलता है। ये बाइक 650 ट्विन के समान प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। वही पावर के लिहाज से इस मोटरसाइकिल में 648cc पैरेलल ट्विन ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 6-speed गियरबॉक्स से जुड़ा है। ये इंजन 47 bhp की पावर और 52.3 nm का पिक टॉर्क पैदा करती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अल्ट्रा वॉयलेट F77 का, जिसे आखिरकार कुछ समय पहले ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 3.8 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी है। दूसरी पीढ़ी की अल्ट्रा वॉयलेट F77 में कई शानदार बदलाव के साथ नई फ्रेम, स्विंग आर्म और एक नई विकसित बैटरी कंपनी ने दी है। अपने मौजूदा स्पेक्स के साथ ये भारतीय बाजार में बिक्री के लिए सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में से एक बन चुकी है। इसके अलावा ट्रायम मोटरसाइकिल ने अपनी नई पीढ़ी की ट्रायम स्ट्रीट ट्रिपल 765 रेंज के लिए बुकिंग पहले से ही शुरू कर दी थी और इसे अब नए साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस नई मोटरसाइकिल रेंज में कंपनी ने शानदार स्टाइलिंग और भारी अपडेटेड इंजन दिया है, जिसकी डिलीवरी अप्रैल 2023 में शुरू होगी। साल 2023 में भारत में ट्रायम स्ट्रीट ट्रिपल 765 के आर और RS वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा। इस पावरफुल बाइक में 765cc इनलाइन ट्रिपल इंजन दिया गया है, जिसमें पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ टॉर्क और बेहतर प्रदर्शन मिलता है। इस लिस्ट में एक और नाम आता है डुकाटी की ओर से। जी हां, कंपनी 2023 में डेजर्ट एक्स को भारतीय बाजार में बिक्री के लिए लाने वाली है। इसका डिजाइन 90 के दशक के पुराने कैगीवा एलिफेंट मोटरसाइकिल से प्रेरित है, जो ट्विन राउंड LED हेडलाइट्स, लंबी विंडस्क्रीन और एक लीन लुक से भरपूर है। डेजर्ट एक्स में 937cc टेस्ट्रा स्ट्रेटा 11 डिग्री एल ट्विन इंजन दिया गया है, जो 108 bhp की पावर और 92 Nm का पिक टॉर्क पैदा करती है। फ्लैगशिप पानीगाले V4 और उसके बाद मल्टी स्टार्टा V4 के बाद डुकाटी अब साल 2023 में भारत में अपनी नई मस्कुलर इटालियन पावर क्रूजर बाइक डियावल V4 को लाने की तैयारी में है। इस हाई परफॉर्मेंस बाइक में पावरफुल V4 ग्रैंड टूरिज्मो इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन
126 bhp की पावर और 166 nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को 6 स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है जिसमें डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी दिया जाएगा। गाइस इग्निशन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इस साल बहुत सारी गाड़ियों के दाम भी बढ़े हैं। कौन सी गाड़ियां हैं और कितने बढ़े हैं इनके दाम, ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें, तो छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब नजर डालते हैं 2023 में कुछ गाड़ियों के दाम भी बढ़े हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने कई गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं और उसके कारण क्या है, कौन कौन सी गाड़ियों के दाम बढ़े हैं, ये हम लेकर आए हैं आपके लिए खास रिपोर्ट, देखिए। नए साल पर कार खरीदना अब महंगा होने वाला है। ज्यादातर ऑटो कंपनियों ने लागत बढ़ने के चलते कार की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। इसलिए अगर आप नए साल पर कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो नए सिरे से तैयारी शुरू कर दें। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी से लेकर मर्सिडीज और ऑडी जैसे कंपनियों ने भी इस नए साल में अपने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है। ज्यादातर कार कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे महंगे माल और ट्रांसपोर्ट की बढ़ती लागत की बड़ी वजह बताई है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कौन कौन सी वो गाड़ियां हैं जिसकी कीमतों में साल 2023 में बढ़ोतरी की गई है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि आरडीई नियमों के पालन के लिए गाड़ियों को अपडेट करना होगा, जिसके चलते नई गाड़ियों को साल 2023 में बढ़ती हुई कीमतों के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही नए लॉन्च के अलावा पुराने गाड़ियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल कंपनी भारतीय बाजार में अल्ट्रॉस, हैरियर, नेक्सॉन, नेक्सॉन ईवी, पंच, सफारी, टियागो, टियागो ईवी, टिगोर और टिगोर ईवी पर बिक्री करती है। साउथ कोरियाई कार कंपनी जनवरी 2023 से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 50,000 रुपयों तक की बढ़ोतरी करने वाली है। इस बढ़ी हुई कीमतों के पीछे कंपनी ने महंगे माल और बढ़ती ट्रांसपोर्ट की लागत को जिम्मेदार ठहरा है, जिसके चलते जनवरी 2023 से किया की सभी मॉडल्स में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फ्रेंच ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी रेनॉल्ट ने भी बढ़ती लागत की वजह बताते हुए अपने सभी मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस नए साल में रेनो क्वेट, काइगर और ट्राइबर की कीमतों में बढ़ोतरी इस कारण की वजह से देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिट्रॉइन अपनी C3 और C5 के प्राइजेस को बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, जिसके चलते इस नए साल में सिट्रॉइन अपनी गाड़ियों पर 1.5 से 2% की बढ़ोतरी करेगी। एमजी मोटर ने भी कार की कीमतों में 2 से 3% की बढ़ोतरी करने का इरादा किया है। कार के मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से इस नई कीमतों को लागू किया जाएगा। जीप इंडिया ने भी अपनी सभी रेंज की एसयूवी की कीमतों में 2 से 4% का इजाफा करने का ऐलान किया है। इनमें जीप कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और हाल ही में लॉन्च हुई ग्रैंड चेरोकी शामिल है। जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने अपने पूरे कार लाइनअप के दामों में 1.7% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस बढ़ती कीमतों के पीछे ऑडी ने बढ़ती लागत की वजह को जिम्मेदार ठहराया है। वही इस नए साल में मर्सिडीज की कार खरीदना भी महंगा होने वाला है, जिसके तहत कंपनी 5% तक अपनी कारों के कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर चुकी है।
हालांकि कुछ कार कंपनियों ने इस नए साल में कीमतें बढ़ाने की घोषणा नहीं की है, जिनमें हुंडई मोटर और होंडा कार्स की तरफ से फिलहाल दाम बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो चलिए अब नजर डालते हैं इस हफ्ते क्या क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में हमारे सेक्शन न्यूज वीक में। लेक्सस ने भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी लेक्सस एलएक्स को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 2,82,00,000 रुपीस एक शोरूम तय की है। लेक्सस एलएक्स पूरी तरह से लेक्सस 500D इस एक ही ट्रिम में उपलब्ध है, जो 5-सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। इंजन की बात करें तो इस लग्जरी एसयूवी में पावरफुल 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया है। यह दमदार इंजन 304 bhp की पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है। इस इंजन को कंपनी ने 10-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा है, जो कि चारों पहियों को पावर देता है। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड एक्सपल्स 200T4V को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 1.25 लाख रुपीस एक शोरूम तय की है। कंपनी ने अपनी इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में नए 4-वॉल इंजन के साथ डिजाइन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पावर की बात करें तो इसमें पहले के मुकाबले 6% से ज्यादा पावर और 5% से अधिक टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स को भी पेश किया गया है। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने साइड स्टैंड इंडिकेटर, कट ऑफ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर और एक USB चार्जर फीचर के तौर पर शामिल किया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही, बट आप हमें भेजते रहिए अपने सवाल, अपने सुझाव, हम उन्हें जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने शो में और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो आप सीट बेल्ट पहनिए, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे, सीट बेल्ट पहनना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आप ध्यान रखिए कि अगर आप 2-व्हीलर में हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है, जैसा मैंने हमेशा कहा है। आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं माई ट्विटर हैंडल @swatikejain या इंस्टाग्राम हैंडल @swatikhandelwaljain, इस पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तब तक एक बार फिर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। May 2023 be the best year for you.